हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मारुति सुजुकी की वैगनआर, न्यू वैगनआर में ड्यूअल नॉब आपका प्लेयर फिट किया हुआ है विद फ्रेम पैनल के साथ में। तो इसमें आपको क्या क्या फंक्शन मिलते हैं और आफ्टर फिटिंग के बाद आपका क्या लुक आता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं इसमें आएगा। और अगर आप सर्चिंग कर रहे हैं आप भी वैगनआर के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो ये ड्यूअल नॉब का मैंने लगाया हुआ है विद फ्रेम पैनल, ये न्यू वैगनआर में लगा हुआ है, 2024 मॉडल का ही है। और इस सबसे पहले इसकी साउंड क्वालिटी को देख लेते हैं। तो 40 तक इसकी आउटपुट मिलेगी और बेस्ट क्वालिटी की आउटपुट आपको मिलेगी अगर इसमें आप कोई भी कंपनी फिटेड स्पीकर लगाएंगे। तो इसकी जो क्वालिटी आएगी वो काफ़ी ऑसम क्वालिटी आपको मिलेगी इसमें, और आउटपुट बहुत ही अच्छा इसका आपको मिलने वाला है। कोई भी गैपिंग नहीं है, देयर इज़ नो गैपिंग बिटवीन डैशबोर्ड एंड प्लेयर, जीरो गैपिंग के साथ ये आपकी कार में फिट हो जाएगा। ओल्ड और न्यू दोनों ही वैगनआर में आप इसको फिट कर सकते हैं। और इसका जो साइज होगा वो 10.1 इंच में आपको मिलेगा, 10.5 इंच में भी आपको मिलेगा। ओके, जो इसके फंक्शन है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको जेड लिंक मिलेगा, आपको जेड लिंक, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, 4+64 GB, MTK 8163 इसका प्रोसेसर आपको मिलेगा। ओके, तो ये आपका मोबाइल का ही मैप इसमें काम कर रहा है, जिससे कि आपकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है मैप की। ओके, तो ये आपका जेड लिंक है, जेड लिंक के थ्रू आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं। एक बार मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी एक बार दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड वर्जन 13, 4+64 GB, MT 8163। ओके, 720 का इसका रिजोल्यूशन आपको मिलेगा डिवाइस में, एंड नॉर्मल फंक्शन ब्लूटूथ, FM, USB, AUX, रियर व्यू कैमरा सपोर्ट करेगा, मिरर लिंकिंग होगी, एंड DSP भी आपको, DSP मॉड्यूल भी इसमें आपको मिल जाएगा। मैनुअल एंड टच के साथ भी आप काम इसमें कर सकते हैं। और इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा आउटपुट है आपको मिलेगा, जो इसमें ASP मॉड्यूल आप 1x1 इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, पॉप, जैज, न्यूज़, और यूज़र मैनुअल, यानी कि आप अपने हिसाब से भी कोई सेटिंग इसमें आप कर सकते हैं। ओके, यूज़र मैनुअल के बाद तो इस टाइप का आपका चैटिंग होगा। तो ये आपका हो गया, और जो मेन इंटरफेस आपका रहेगा वो मेन इंटरफेस भी कुछ इस टाइप का मेन इंटरफेस आएगा, जिसमें आपका एक मेन स्लाइड करने पर आप इसके मेन मेन्यू में जा सकते हैं। आप डायरेक्टली हिट कर सकते हैं इसके इक्वलाइजर को, इक्वलाइजर सेटिंग ऑफ ऑन का बटन इसमें दिया हुआ है। तो इसमें आपका स्क्रीन ऑफ हो जाएगी बट आपका म्यूजिक चलता रहेगा। देखिए, अगर अपनी ब्लूटूथ से आपने कनेक्ट किया हुआ है तो ब्लूटूथ से आपके गाने कंटिन्यू चलते रहेंगे और स्क्रीन आपकी ऑफ हो जाएगी। नाइट में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो ये आपके लिए फंक्शन काफ़ी अच्छा फंक्शन होता है, एंड डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। ओके, तो ये सारे फंक्शन के साथ ब्लूटूथ, FM, ब्लूटूथ कॉलिंग भी इसमें आपको फीचर मिल जाएगा, ब्लूटूथ, FM, USB, AUX, रियर व्यू कैमरा सपोर्ट करेगा, मिरर लिंकिंग। तो ये सारे फंक्शन आपको, नॉर्मल फंक्शन सारे इसमें मिल ही जाएंगे। प्ले स्टोर से आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो क्वालिटी एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। ओके, तो इसकी ये वीडियो क्वालिटी है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ओके, तो वीडियो क्वालिटी फुल IPS विद HD वीडियो क्वालिटी के साथ आपको ये प्लेयर मिलेगा। तो वीडियो क्वालिटी के साथ साथ बाकी MP3 थीम्स का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, थीम्स भी आप इसमें लगा सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन आपको इसमें मिल ही जाएंगे।
और आप किसी भी कार में इसको लगा सकते हैं, आप उसके सपोर्टिंग एंड्रॉयड फ्रेम के साथ में आप किसी भी कार में इसको लगा सकते हैं, फुल्ली वर्क करेगा। इसमें आपका एक मॉडल में 360 डिग्री का भी सपोर्ट आता है, बट इसमें नहीं है, बट अदर वन में 360 डिग्री सपोर्ट भी इस प्लेयर में आएगा। 10.1 इंच, 10.5 इंच, ये दोनों ही वर्जन में आपको मिल जाएगा, यानी कि 10.1 और 10.5 इंच में। ओके, और मेन इंटरफेस पे आप देख ही रहे हैं, जेड लिंक वगैरह ये यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ आपको ये मिलेगा। अगर आप अपनी गाड़ी में प्लेयर चेंज कराने की सोच रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिससे कि आपके इंटीरियर काफ़ी अच्छा होने वाला है। मैं एक बार आपको इंटीरियर थोड़ा पीछे से दिखा देता हूँ, ये मेन इंटीरियर है। तो अब वैगन आर में भी आप इस डुअल नॉब को लगा सकते हैं, कहीं से भी आपका एसी वेंट आपका इसमें नहीं आएगा। देखिए एसी वेंट आउटर में है, तो एसी वेंट का भी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं रहेगा। 10.1, 10.5 दोनों ही इंचेस में ये मार्केट में अवेलेबल है, आप लगा सकते हैं। कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।